नमस्कार, यूपी अपडेट देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। इस वक्त हम बीसलपुर के ऐतिहासिक रामलीला मेला ग्राउंड में हैं और आप देख रहे होंगे कि इस वक्त रामलीला मेला ग्राउंड में किस तरह की रौनक है। चारों तरफ आप अगर देखेंगे तो जमकर डेंटिंग पेंटिंग हुई है और कहीं ना कहीं बीसलपुर के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आप देख सकते हैं इस वक्त सीता कुटी हो गई, पंचवटी हो गई, तमाम भरत कुटी हो गई, इन सब की रंगाई पुताई का कार्यक्रम जो है वो पूर्ण हो चुका है। वहीं दूसरी ओर रामलीला मेले मैदान में भी मिट्टी डलवाकर उसको समतल करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अगर आप देखेंगे तो रामलीला मैदान में इस वक्त शाम के समय मेले की तैयारियों को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग मेला मैदान में भी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें ऐतिहासिक रामलीला मेला ग्राउंड में अभी तक मेला कमेटी के द्वारा जो जाल लगता है उसके खंभे लगा दिए गए हैं चारों ओर, रंगाई पुताई का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। तो वहीं दुकानों की यदि बात की जाए तो बड़ी तादाद में जो दुकानें हैं वो रामलीला मेले में पहुंचने लगी हैं। 27 सितंबर से शुरू हो रहे बीसलपुर के 28 सितंबर से शुरू हो रहे बीसलपुर के इस ऐतिहासिक रामलीला मेले की यदि बात की जाए तो रामलीला मेले में इस बार पहली बार ऐसा समय होगा जिस बार पहले से ही तैयारियां काफ़ी तेज गति से की जा रही होंगी। इसके साथ ही यदि आपको दूसरी तरफ की तस्वीरों को दिखाने का प्रयास करेंगे तो बड़ी तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं। ये मेले की घुमटी है जिस पर लोग बैठकर मेले का आनंद लेते हैं। आपको बता दें बीसलपुर के ऐतिहासिक रामलीला मेले के दशहरे को देखने के लिए हजारों एवं लाखों की तादाद में लोग रामलीला मैदान में पहुंचते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि मेला मैदान की यदि बात की जाए जहां पर दुकान लगती है, मेले के मार्केट की बात की जाए तो वहां पर भी काफ़ी भीड़भाड़ इस वक्त मौजूद है। आपको बताना चाहेंगे कि बीसलपुर के ऐतिहासिक रामलीला मेला ग्राउंड में पहली बार ऐसा होगा कि इतनी पहले ही मार्केट लगना जो है वो मेले की शुरू हो गई होगी। आप देखिए किस तरह से रामलीला मैदान में इस वक्त लोग मौजूद हैं, व्यापारी अपना सामान लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आप देखेंगे कुछ तो धर्मू स्वीट्स इस बार सबसे पहले अपनी दुकान को तैयार करते नजर आ रहे हैं। बीसलपुर के ऐतिहासिक रामलीला मेले के तमाम अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए आप यूपी अपडेट पर लगातार बने रहें।